नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर पहुंचे हुए हैं, यहां पर ब्रिक्स सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। वो ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कहीं ना कहीं डॉलर को लेकर कैसे एक नई करेंसी बनाई जा सकती है जिससे डॉलर का जो प्रभुत्व है उसको खत्म किया जा सके, चीन के साथ जो बॉर्डर विवाद चल रहे हैं उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, और जिस तरीके से युद्ध की स्थितियां इस वक्त दुनिया भर में हैं उसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है। तो बहुत सारे मसले हैं, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है इस वक्त भारत का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल बाद हो सकता है कि चीन के राष्ट्रपति से भी वहां पर मुलाकात करें। क्या कुछ एजेंडा रहेगा ये समझने की आज कोशिश करेंगे। डिजिटल की मेरी सहयोगी अनुकंपा भी इस वक्त जुड़ गई हैं। अनुकंपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब निकले हैं तो इस दौरे को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, एक ऐसे समय में जब बहुत सारी वैश्विक चुनौतियां सामने हैं, भारत के हित के हिसाब से देखें तो इस दौरे में क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, ये जो दौरा है वो काफी अहम है पीएम मोदी का, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जो डॉलर का जो प्रभुत्व है पूरी दुनिया भर में उसको कम करने के लिए जो ये ब्रिक्स मीटिंग है, ब्रिक्स सम्मेलन है वो हो रहा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ऑयल ट्रेड सिस्टम हो या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम हो, उसमें जो डॉलर का जो प्रभुत्व है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए ब्रिक्स देश जो हैं वो मिलकर ये सोच रहे हैं कि एक नई करेंसी बनाई जाए। और अगर ये करेंसी बन जाती है तो ये अमेरिका के लिए और अमेरिकी डॉलर के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से डॉलर में ही बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको डील की जाती है। और पहले भी पीएम पुतिन ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस ब्रिक्स देश जो है वो मिलकर एक नई करेंसी बनाने का सोच रहे हैं। और इसके अलावा ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी इसको लेकर बयान दिया था। तो अगर इसकी सहमति बन जाती है तो ये अमेरिका के लिए और एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम बोले उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव होगा कहीं ना कहीं। और यूरो जो है, यूरो का भी प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूरोपियन देश जो है यूरो को लेकर और जो डॉलर है उसका भी प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है। तो उसका प्रभुत्व अगर कम करना है तो एक नई करेंसी बनाने का सिस्टम समझ। देखिए, एजेंडे बहुत सारे होते हैं वैसे इसमें। अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन की, आर्थिक सहयोग की, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण, सांस्कृतिक और जनसंपर्क से जुड़ी हुई चीजें जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इन सारे एजेंडे होते हैं। लेकिन एक चीज और जिस पर अनुकंपा सबकी नजर है वो ये कि ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ दिन पहले चीन पर कुछ अच्छे संकेत हमें बॉर्डर पर देखने को मिले, दोनों सेनाएं पीछे हटी वहां पर, और इसको लेकर कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होती हुई नजर आई। क्या यहां से स्थिति और बेहतर हो सकती है? जो हमारे सीमा विवाद चल रहे हैं चीन के साथ उनमें कुछ सुधार देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 24 घंटे पहले ही LAC पे जो है वो जो कष्ट है वो उस पर सहमति बन चुकी है चीन और भारत की। और 24 घंटे के अंदर ही अब हो सकता है कि चीनी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की अब जो मुलाकात होगी तो इस मुद्दे पर भी कुछ ना कुछ बात बने और थोड़ा जो विवाद है वो चीन जो सीमा विवाद है उसको थोड़ा सा सुलझाने में मदद मिल सके। बिल्कुल। और एक चीज और यहाँ पर जो देखनी होगी वो ये है कि इस वक्त युद्ध चल रहा है अनुकंपा, और युद्ध में इससे पहले हमने देखा था जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, इसके अलावा पुतिन से मुलाकात हुई थी, और पुतिन ने उस वक्त ये खुद कहा था कि भारत युद्ध को रुकवाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। अब जहाँ यहाँ पर ब्रिक्स के अन्य देश भी जो हैं वो होंगे, और उस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं वहां पर चीन के साथ तो द्विपक्षीय वार्ता पर सबकी नजर टिकी रहेगी, लेकिन इस बार भारत संदेश क्या लेकर जा रहा है वहां पर और कैसे इस युद्ध को रोकने में भारत भूमिका निभा सकता है? क्योंकि भारत की जो पॉलिसी रही है वो शुरू से यही रही है कि भाई हम पूरे विश्व में शांति चाहते हैं, और इस वक्त विश्व जो है वो अशांत बना हुआ है। चाहे आप रूस यूक्रेन को ले लें जो सीधे तौर पर इस वक्त वॉर ग्राउंड पर हैं, और इसके अलावा आप देख लें वहां पर इसराइल किस तरीके से वॉर में इस वक्त उतरा हुआ है, और उसके जरिए जो है वो भारत कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि नुकसान क्या हो रहा है इस वक्त पूरे विश्व को। और सबसे बड़ी बात जो डॉलर की निकलकर सामने आ रही है, अगर इस पर कोई सहमति यहाँ पर अनुकंपा बनी तो जो व्यापार है तेल का खासकर, जिसमें 100% जो है वो डॉलर में पूरा वो व्यापार होता है, उसको तोड़ना क्या इतना आसान होगा? और अगर इस पर चीन, जो कि भारत और चीन एक पेज पर आ जाएं, ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस बार अगर ये आ जाते हैं दोनों तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थितियों को देखते हुए होगा। और इसके अलावा कई और मुलाकातें भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ है, जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पर, जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने जिस तरीके से स्वागत किया है, तो
वहां पर हो सकता है कि और कार्यक्रमों में भी प्रधानमंत्री हमें हिस्सा लेते हुए दिखाई दें, लेकिन सबसे जो अहम मुलाकात होगी वो कहीं ना कहीं रशिया और चीन के साथ जो होगी उसी पर नजर रहेगी। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा एक और पॉइंट भी अगर हम देखें तो इस बार जो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दोगन, वो हमेशा से जम्मू कश्मीर को लेकर बातें करते रहते हैं, मतलब कहते हैं कि 370 वहां से हटाई गई, तो इस बार देखा गया कि पिछले महीने एक मीटिंग हुई थी उसमें भी जो तुर्की के राष्ट्रपति थे उन्होंने जम्मू कश्मीर का ना ही मुद्दा उठाया और ना ही 370 को लेकर कुछ कहा। तो देखा जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति भी अब कहीं ना कहीं भारत को लेकर थोड़ा सा नर्म रुख अपना रहे हैं और भारत भी कहीं ना कहीं नर्म रुख अपनाते हुए तुर्की के साथ दिख सकता है। तो उनके साथ भी अगर मीटिंग होती है पीएम मोदी की तो वो भी एक अहम मुद्दा हो सकता है। तो बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। और व्यापार की दृष्टि से ये जो इस बार ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है इस पर सबसे ज्यादा नजरें कहीं तो अमेरिका की रह सकती हैं, और अगर एक नई करेंसी हमें देखने को मिलती है और इसके बाद अमेरिका इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा क्योंकि उसका प्रभुत्व सीधे तौर पर खतरे में आएगा, ये सारी चीजें इसीलिए नजर बनाए रखेगा। आपको तमाम जो अपडेट हैं वो इस दौरे से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूज स्टेट पर मिलती रहेंगी और तमाम जो अपडेट्स हैं लगातार वीडियोस के जरिए भी हम बताते रहेंगे। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई खबर छूटे ना। और सबकी नज़रें, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त ब्रिक्स पर हैं, रूस पर हैं, वहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में आप जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।